खुलने जा रहे हैं। 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई शुरू होगी, साथ ही कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी खुलेंगे। इसे लेकर तैयारी अपने आखिरी दौर में है। सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है, कोई परेशानी ना हो इसे लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश दिए गए हैं और उन निर्देशों का पालन स्कूल और कॉलेजों को करना होगा। 9 महीने के बाद स्कूलों में लौटेगी रौनक। 4 जनवरी से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। कोरोना को लेकर शिक्षा विभाग के निर्देश, तो 9 महीने के बाद बिहार के स्कूलों में रौनक फिर से लौटने जा रही है। 4 जनवरी से स्कूल खुलने जा रहे हैं। 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई शुरू होगी। इसे लेकर 24 दिसंबर को ही राज्य सरकार की तरफ से सूचना जारी कर दी गई थी। इसके बाद स्कूल खोलने की तैयारी शुरू हो गई। स्कूल वाली बात तो हमें करनी है, क्लास को सैनिटाइज कराना, कैंपस सैनिटाइज कराना, बस को सैनिटाइज कराना, ड्राइवर वगैरह सबका अपना ये सब सही रखना। इसमें एक चीज़ केवल बन रही है जो अभी नहीं है कि उस बस में कितने बच्चे हम ले के आएँ, कैसे आएँ, और सरकार के लिए भी एक चिंता का विषय होगा। उम्मीद करते हैं कि कोविड संक्रमण से बचते हुए बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। सुरक्षित माहौल में बच्चों को अध्ययन का अवसर प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है। स्कूल कॉलेज खोलने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से जरूरी निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। कहा गया है कि कॉलेज में सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही पढ़ाई होगी। सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए 2 मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। शिक्षण संस्थान, स्कूल कैंपस, उपकरण, स्टोर रूम, वॉशरूम, लाइब्रेरी को सैनिटाइज करने के बाद ही खोला जाएगा। डिजिटल थर्मामीटर, सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करनी होगी। जिन संस्थानों में गाड़ियां चलती हैं उन्हें सैनिटाइज करने के बाद ही चलाया जाएगा। इसके अलावा क्लास में बैठने के लिए कम से कम 6 फीट की दूरी रहनी चाहिए। जिन स्कूलों में नामांकन अधिक होगा वहां 2 शिफ्ट में क्लास लिए जाएंगे। बिहार में 9वीं से 12वीं तक में कुल 18,03,709 छात्र हैं, तो छात्राओं की तादाद 18,58,233 है। मेरी जानकारी में राशि नहीं आई है, लेकिन अपना जो साधन है उन साधन के द्वारा हमने लगभग 1 महीना के लिए उस सारी व्यवस्था मैं कर चुका हूं, जिससे सैनिटाइज आदि करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना की वजह से सभी तरह के स्कूल और शैक्षणिक संस्थान पूरी तरीके से बंद रहे, लेकिन अब 4 जनवरी से औपचारिक तौर से पढ़ाई शुरू होने जा रही है। फिलहाल शिक्षा विभाग 2 हफ्ते तक शैक्षणिक गतिविधियों का अध्ययन करेगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 18 जनवरी के बाद से प्राइमरी स्कूल खोलने की अनुमति दी जा सकती है। अगर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई का प्रयोग सफल रहा तो 18 जनवरी के बाद प्राइमरी विद्यालय भी खोले जा सकते हैं।